ये जितने भी डॉक्टर्स हैं ना आजकल के, यार तुम सबसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है एक, कि यार जो भी हमारा डायग्नोसिस आपको लोग करते हो ना, जो भी हमारे प्रिस्क्रिप्शन आप लोग लिखते हो, वो प्लीज़ हाथ से लिख के दिया करो यार, ऐसे टाइप करके मत दिया करो। क्योंकि जो टाइप करके देते हो ना आप, वो बहुत ज़्यादा रीडेबल होता है और हम रीड कर लेते हैं। उसके बाद चले जाते हैं गूगल पे, गूगल पे जाके उसका ट्रीटमेंट ढूंढते हैं। आजकल सबसे बड़े डॉक्टर गूगल होके बैठे हैं। और हमारे पास गूगल है आजकल, पता कितनी एंजाइटी ट्रिगर हो जाती है यार। आई रियली मिस दोस ओल्ड डॉक्टर्स यार, जिनके पास हम जाते थे, जो हैंड राइटिंग में लिख के देते थे। भाई डायग्नोसिस तो हमें पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है हमें आज तक। बात तो सही है। उसकी सिर्फ दवाई डिकोड होती थी, केमिस्ट के पास जाके हम ऐसे पूछते थे, भैया ये वाली दवाई है आपके पास? वो देता था, हम चुपचाप खाते थे और ठीक हो जाते थे यार, कोई एंजाइटी कुछ नहीं होता था हमें। बट आजकल आप लोग ऐसे टाइप करके देते हो, वो रीडेबल होता है, फिर हम गूगल करते हैं। गूगल इतना डरा देता है इन लोग को। ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ, मेरी बंदी को ना अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले गला खराब हुआ, जस्ट उसने प्रैक्टो पे चेक करवाया, उसने ना टाइप करके भेजा कि आपको फेरेंगाइटिस हो गया है। भाई मेरी बंदी पैनिक में ही आ गई कि पता नहीं कितनी बड़ी बीमारी हो गई मुझे, क्या ही हो गया मुझे। 2 घंटे बैठ के फिर हमने फेरेंगाइटिस गूगल किया है, फेरेंगाइटिस, एपिकुलोटाइटिस, सारे टाइटिस पता चल गए हमें अब। तो आप भी ऐसे गूगल पे जाके ढूंढते हो आप अपनी बीमारी का ट्रीटमेंट? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।